एमजी ने भारतीय मार्केट के अंदर कदम रखा 2019 में अपनी एमजी हेक्टर के साथ। लॉन्च होते ही जो इंडियन कस्टमर्स का रुझान था एमजी हेक्टर की तरफ वो बहुत ज़्यादा गजब का देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर जो 14 इंच की डिस्प्ले एमजी ऑफर कर रहा था, इंटरनेट अपनी गाड़ी के अंदर ऑफर कर रहा था, पैनारोमिक सनरूफ अपनी गाड़ी में ऑफर कर रहा था, ये सारे फीचर्स इस सेगमेंट में, इस प्राइस बैंड में अपन को देखने को नहीं मिले थे। तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट भी जो है इंडियन कस्टमर्स हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको पसंद भी करना चालू कर दिया था, लेना चालू कर दिया था। अब फिर भैया अचानक क्या होता है, अचानक से कहीं से नाम निकल के आता है MG is owned by SEIC Motors which is Chinese company। भाई वो कोविड का भी टाइम था तो उस टाइम पे कुछ लोग तो पीछे हटे लेकिन कुछ लोगों ने बरकरार प्यार अपना रखा, पर MG भरोसा दिलाते हुए निकला कि हम आपको देंगे बेस्ट सर्विस और कभी भी आपको क्वालिटी और रिलायबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से ही जो है MG ने प्रूव करके भी दिखाया गाइस। 2022 में MG को JD पावर ने 860 पॉइंट्स दिए और ये बन गया नंबर वन लीडिंग आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइडर। अब भैया कंपनी तो कुछ भी बोले कुछ भी नहीं बोले, हम तो उस डेटा पे भी यकीन नहीं करते भाई। आज अपन सुन लेते हैं ओनर की जुबानी। और मैं आपको बता दूं वीडियो शुरू करने से पहले, ये जो गाड़ी है फर्स्ट लॉट की है और पहली राजस्थान की डीजल गाड़ी है जो डिलीवर हुई थी। अब गाइज इसके ओनर ने इसको कहां पर टेस्ट नहीं करा आप ये पूछो, भले ही हिमाचल का -10 डिग्री टेम्परेचर हो या फिर राजस्थान का 50 डिग्री टेम्परेचर, साथ ही साथ उसी के अलावा लद्दाख की एक्सट्रीम कंडीशंस जहां पर ऑक्सीजन नहीं रहता, जहां पर एक तरीके से बहुत बुरी कंडीशन रहती है, धूल मिट्टी हर जगह, इस गाड़ी को टेस्ट करा वहां पर, इस गाड़ी का परफॉर्मेंस आज अपन जानने वाले ओनर से, और साथ साथ 4 साल के अंदर क्या उनको प्रॉब्लम्स आई है सर्विस में, क्या एक्सपीरियंस करा, वर्कशॉप्स का क्या हाल है, सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जय श्री राम सभी को, मेरा नाम है शीरीष और स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्से एमजी हेक्टर से रिलेटेड, ओनर की जुबानी जिनको हो चुके हैं 4 साल। आइए जानते हैं क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू था हेक्टर चूज करने से पहले और क्यों उन्होंने एमजी हेक्टर ली जबकि मार्केट में और सारे ऑप्शन भी जो है अवेलेबल थे। तो गाइज अपने यश भाई जो है आ चुके हैं, यश मीणा भाई है। और भाई जय श्री राम, सबसे पहले तो हमारे वीडियो का जो रिचुअल चलता है, यश भैया बताओ आपको कितना टाइम हो गया ये ले हुए? ये गाड़ी भाई मैंने ली थी 2019 जुलाई में। अच्छा, और अब हो गए इसको रफली 4 साल हो गए। 4 साल हो गए जुलाई से लेके अब तक, 4 साल हो गए। मैंने वीडियो में 5 साल बोल दिया लेकिन चलो 4 साल तो हो ही गए। 4 साल के अंदर अपन सुनते हैं ज्यादातर डीजल के जो लोग बाग डीजल लेते हैं वो चला ले चुके होते हैं 1.5 लाख किलोमीटर 2 लाख किलोमीटर। अपनी गाड़ी कितनी चल गई? अपनी गाड़ी चली है मात्र 23,000 23,000 किलोमीटर। तो मतलब इसके आपने अभी तक पहली सर्विस ही कराई होगी कंपनी में? तो सर्विस तो इसके पूरी हो रही है, हर साल होती है, हर साल होती है। चार सर्विस करा चुके, मतलब आप 4 सर्विस हो चुकी है अभी रिसेंटली, 1 महीने पहले सर्विस पे गई थी। अच्छा, और यार ये गाड़ी की रनिंग ज्यादा नहीं है, मतलब जैसे सिटी वगैरह में ज्यादा ड्राइव रहता है तो वरना ही चलाता था ये, कभी कभी बार बार रोड ट्रिप्स वगैरह के लिए। अच्छा, रोड ट्रिप्स के लिए ली थी आपने? मतलब स्टोरी तो दिखती रहती थी, 4 साल हो गए लिए, लेते ही जो यमुना एक्सप्रेस वे पे था उस स्टोरी आई थी, 200 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से चला रहे थे। मैं देखा यार तगड़ा कॉन्फिडेंस है, इसको खींच सकते हैं, खींच सकते है ना। तो फीएट वाला इंजन है इसके अंदर? बिल्कुल सेम इंजन शेयर करते हैं, जीप कंपास हैरियर और ये हेक्टर सेम इंजन। इंजेक्टर क्यों लिए? हालांकि उस टाइम पे तो अपना काफी सारे प्रोडक्ट आ रहे थे, स्कॉर्पियो वगैरह भी थी बढ़िया, सफारी हैरियर वगैरह, सफारी नहीं थी शायद, हैरियर तो थी, एक्सयूवी भी थी, हाँ जीप कंपास भी थी, और एक्सयूवी का नया मॉडल भी आने वाला था शायद। नहीं, एक्सयूवी 500 आ रही थी। अच्छा, 500 आ रही थी, हाँ, मतलब फेसलिफ्ट ही आ रहे थे उसके, तो एक्सयूवी 500 अपने पास है 2013, हाँ, तो मैं उससे फुली सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, उसके बाद जो आ रही है ठीक है, कॉस्मेटिक अपग्रेड है मगर ठीक है, मगर हेक्टर का ये था कोई प्लान था नहीं, देखी और एक बार में पसंद आ गई घर वालों को, तो मन बन गया तो फिर ले ली इसको। और उस वक्त अगर कंपटीशन की बात करें तो कंपास आ रही थी वो, हाँ, बहुत ओवर प्राइस थी, उसका टॉप मॉडल कहीं ना कहीं मुझे कॉस्ट कर रहा था 26-27 लाख। ये आई है ऑन रोड बाई 22 अराउंड के आई है, ये टॉप है, ये डीजल टॉप शार्क। अच्छा, कितने? 22 लाख की? 22 अप्रोक्स आई थी यार, ये हमने पैकेज, हाँ, भी लिया था इसमें, तो अभी तक चल रहा है वो 5 साल का पैकेज होता है, हाँ, उसमें क्या रहता है हमारा सर्विस वगैरह कोई चार्ज नहीं है 5 साल, टायर भी इंक्लूड है, कुछ इंक्लूड है, मतलब बहुत बढ़िया सर्विस दे रही है एमजी तो इसका मतलब, और सब कुछ, मतलब कुछ भी कोई चार्जेस नहीं है, सब कुछ पिकअप एंड ड्रॉप वगैरह सब इनका आता है, बस एक साथ पैसे लेते हैं इन्होंने, उस वक्त शायद 1.5 लाख कुछ चार्ज किया था, हाँ, मगर सब कुछ इसमें इंक्लूडेड था, सब कुछ इंक्लूडेड था। और आपको इसके अंदर मतलब कैमरा 360 डिग्री वगैरह सब मिलता है, सारे फीचर्स सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्ट करेंगे उस टाइम पे कि भाई ये स्क्रीन है, सबसे ज्यादा मुझे गाड़ी की जो एक लग्जरी फिट एंड फिनिश है ना, हाँ, आप गाड़ी में इंटीरियर में बैठोगे तो मतलब ये वाला लग्जरी फील नहीं होता इस सेगमेंट में, हाँ, तो ये बात है, हाँ, अब खैर एक्सयूवी वगैरह आने लग गई 700, तो उसके अंदर काफी बढ़िया होने लग गया। 2019 में जब मैंने ली, जब मुझे नहीं लगता इसका कंपटीशन था इस प्राइस रेंज, इस प्राइस रेंज में हो गया तो फिर है ही ऑब्वियसली, मगर हाँ इस रेंज में कुछ भी नहीं था। और ये जब पसंद किया, मतलब
मेरे को बहुत अच्छा बाय लगा। तो जब आपने ली थी तो ऐसी हवा वगैरह उड़ गई थी कि चाइनीज प्रोडक्ट है ये? हाँ, सारी चीजें देखो थोड़ी बहुत स्टार्टिंग की, ये फर्स्ट बैच की कार है हाँ। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स मुझे भी फेस हुई है इसकी, एक हेडलाइट का बल्ब उड़ गया था एक हाँ। दो साल में, मतलब एलईडी आती है ना इसके अंदर, एलईडी वही एलईडी उड़ गई थी वो हाँ। लाइट नहीं जल रही थी बेसिकली। अच्छा, मैं गया उनने पूरी हेडलाइट रिप्लेस करी है। यार अब वो गलती कर रहे हैं, वो फ्री में सही भी करके दे रहे हैं यार। और आपने वो बताया था कि वो क्लच थोड़ा सा टाइट हो गया था, तो क्लच भी टाइट हो गया था, उसकी भी बात हो गई है। वो क्लच प्लेट रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहा है मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट चार साल बाद गाड़ी लेने के भाई, इतना शेयर कर दूंगा भाई, इतना ध्यान कौन रखता है अपने ओनर्स का यार, मतलब कि तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। 55-60 हज़ार रुपए का है और अपनी, हालांकि सेम इंजन शेयर करती है सफारी और ये भी है, जो अपनी हैरियर आ रही टाटा की, उसके अंदर इतनी प्रॉब्लम्स आई है ना भैया, इतनी प्रॉब्लम्स आई है क्लच को लेकर। 50,000-55,000 लोग बाग बाहर से ही करवा रहे हैं, बाहर से करवा रहे हैं बार बार। मतलब यार भाई ये चीज है, भले चाइनीज प्रोडक्ट हो कुछ भी प्रोडक्ट हो, लेकिन आपको सपोर्ट मिल रहा है ना, आफ्टर सेल्स अच्छी मिल रही है। हाँ, मतलब ऑल ओवर फर्स्ट पे रैंक करा था, टोयोटा से भी ऊपर रैंक कर दिया था एमजी की सर्विस को यार, तो वाली बात है। बाकी भाई, और आपने 30,000 किलोमीटर चला दी, इसके अंदर सर्विस का कॉस्ट वगैरह कितना आता है? यार हमारे तो सब कुछ इंक्लूडेड था पैकेज में, तो फ्री तो रहती है, कभी बिल देखा ही नहीं टू बी ऑनेस्ट। हाँ। वही एक 10-12 हज़ार अप्रॉक्स पकड़ लो, वही रेंज में होती है सर्विस। आप तो भी पैसे नहीं देते, मतलब जब आप सर्विस कर रहे हो, या तो 75,000 किलोमीटर क्लॉक हो या फिर 5 साल। तो आपने उस वो पैक कितने का लिया था? वो पैकेज लिया था भाई उस वक्त हमने कुछ 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख रुपए के आसपास लिया था। हाँ, तो खैर भाई 1.5 लाख रुपए के आसपास 5 साल के लिए यार नहीं, मगर इसमें सारी चीजें एक्सवाइज़ेड सब कवर्ड था ना। हाँ, लेकिन सही, जैसे आप आपकी क्लच प्लेट सही करा लोगे, टायर वगैरह हो जाएंगे। और क्लच में स्टार्टिंग में भी मुझे ये चीज दिक्कत आई थी इसमें, इसका क्लच बहुत हार्ड फील हो रहा था, तो उन्होंने क्लच का एक पार्ट चेंज किया था। क्लच का क्या पार्ट था मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, मैं बिल देख कर ही बता पाऊंगा, 2020 की बात है। उस वक्त भी वो पार्ट कहीं ना कहीं 30,000 का कॉस्ट करता था, और वो इन्होंने उसका फ्री ऑफ कॉस्ट किया था, मतलब इंक्लूडेड था। मेरे पास ये पैकेज नहीं होता तो शायद ये तक ऑपरेट नहीं करते, आई एम नॉट श्योर, मगर शायद नहीं करते अगर ये पैकेज नहीं होता। आप ये गाड़ी कहाँ कहाँ लेके जा चुके हो? भाई ये गाड़ी मैं 21 में गया था लद्दाख। हाँ, तब मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था इसके साथ, क्योंकि मैंने जितने भी वीडियोस देखी थी इससे पहले, हाँ, लोग एमजी फेल ये वो, अब मेरी फटरी ले जाने में। हाँ, हाँ, मगर मैं गया, दो तीन चीजें बेसिक्स क्लियर करे। हाँ, कोई भी गाड़ी कहीं नहीं रुकी है। हाँ, मेरे पास सारे वीडियोस वगैरह सब कुछ है, मतलब गाड़ी ने कहीं पे धोखा दे दिया, कोई दिक्कत दी, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, आप एक बोल रहे थे ना, आपने एक चीज बताई थी इसकी, कि इसके अंदर एक इशू आ रहा था, मतलब गाड़ी रेस नहीं पकड़ रही थी। वो क्या सीन था इसके ना, एग्जॉस्ट में कुछ तो सिस्टम है। हाँ, जो ज्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस करने से रोकता है गाड़ी को। अच्छा, अगर तू उसको रेव भी करेगा, BS6 नहीं है गाड़ी, BS6 2019 में नहीं आई। हाँ, BS4 है ये। हाँ, BS4 है ये। तो इसका फिर हम लोग, मतलब बेसिकली गाड़ी उठ नहीं रही थी, उठना बंद कर देती। अब जब मनाली से ले ट्रेवल करते हो तो बीच में क्या कहते हैं, तांगलांगला पास करके आता है, वहां से एल्टीट्यूड चालू होता है, मतलब बढ़ना एकदम से फ्री, मतलब एकदम से बढ़ेगा एल्टीट्यूड। तो वहां पे गाड़ी में दिक्कत आई। अब वो लकीली हमारी किस्मत थी, सामने से एक हेक्टर आ रही थी हिमाचल की, तो उन्होंने हमें गाइड किया कि 15 मिनट या तो इस पे ईंट रख के छोड़ दो थ्रॉटल पे, उसको कार्बन रेव लिमिटर है, इसमें आई गेस होगा क्योंकि सफारी में भी है। हाँ, इसमें भी है। हाँ, हाँ, हाँ। तो उन्होंने बोला 15 मिनट वो रख के छोड़ दो, या फिर पहले गियर पे उसको आधे घंटे चलाओ खींचो। हमने वो चीज करी, उस वक्त तक दिक्कत आ रही थी, मगर वो एक चीज हमने एक बार वो प्रोसेस किया, फिर गाड़ी ने बिल्कुल फ्लुएंटली पूरे, मतलब अच्छे से कह रहा है परफॉर्म पूरे ले के ट्रिप पे, कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब कितने एक्सट्रीम कंडीशन में ले गए आप, कितना ही कुछ कर लिया, कभी ऐसे स्टार्ट हो रही है माइनस डिग्री टेम्परेचर में भी लेके गए होंगे, वहाँ पर स्टार्ट होने में कोई प्रॉब्लम वगैरह आई? हिमाचल गया था 2019 में। हाँ, उस वक्त -10 के आसपास हो रहा था, गाड़ी पूरी बर्फ से ढक चुकी थी पूरी। अच्छा, और खड़ी थी एक दो दिन, और हमारे पास एक Hyundai i20 थी। अब मैं Hyundai फैन हूँ एक तरफा, स्टिल ये बात बोलूंगा, i20 मिली थी हमें, 1,000 चली हुई, हमने रेंट करी थी वो, तो वो थी दो महीने भी नहीं, एक महीने पुरानी गाड़ी। वो ऑन नहीं हुई थी, ये एक उसमें ऑन हो गई थी। वो पेट्रोल की होगी, वो डीजल थी, डीजल थी, डीजल, ये भी डीजल थी, दोनों ऑन नहीं हुई, ये ऑन हो गई एक बार में, और वो एक महीने पुरानी गाड़ी थी। तो अच्छा लगता है देखने के बाद कि अब लोग बाग क्रिटिसाइज तो कुछ भी करे, पर ओनर जो होता है ना, मतलब जिनके पास नहीं होती ना गाड़ी, वो क्रिटिसाइज जरूर कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास होती है असली चीज वही बताते हैं। बाकी इसका फ्यूल टैंक कितने लीटर का है? फ्यूल टैंक अप्रॉक्सीमेटली 60 लीटर 60 लीटर का है। हाँ, तो ठीक है, 70। हाँ, उसका तो खैर कितने रुपए में फुल हो जाती है अभी डीजल के हिसाब से? ये यार रफली डीजल क्या चल रहा है अभी, 95 चल रहा होगा, 6,000 के आसपास फुल हो जाती है गाड़ी। बाकी टायर वगैरह का रिस्पांस क्या है इसके अंदर? गुडियर के टायर देखने को मिलते हैं, और जब ये गाड़ी आई थी ना, इसका प्रोफाइल एक बड़ा भी दिया मेरे ख्याल से, अब जो नया वाला मॉडल है। हाँ, तो ये इसका रिस्पांस कैसा है? टायर्स देखो, कॉन्फिडेंस तो पूरा आता है, मगर ऑब्वियसली टायर्स में यहाँ पे एमजी ने कॉस्ट कटिंग करी है, मानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा, मतलब ये लो प्रोफाइल नहीं,
बहुत ज्यादा अंडर साइज है, अंडर साइज वही लगते हैं। अब तो खैर बढ़ा दिया टायर साइज, अभी भी गुडियर का टायर आ रहा है, लगी कोई दिक्कत नहीं। गुडियर के टायर लोगों ने 1,00,000 किलोमीटर पे चलाया इनफैक्ट। नहीं नहीं, इसके टायर वगैरह का जो भी मतलब फीडबैक बहुत बढ़िया है, आपको पता है जब मैं सफारी लेने गया था, मतलब सफारी जब मैं खरीदा था, तो मैंने MG Hector की भी बात करी, ये वाला मॉडल मुझे पड़ रहा था, खैर उसमें और भी ज्यादा फीचर्स आ गए थे, 24 लाख के आसपास का पड़ रहा था, लेकिन कुछ 2-3 चीजें थी जिस वजह से मैंने ना निगलेक्ट कर दिया। एक तो जैसे मैंने स्टार्ट करी तो गाड़ी तुमसे झटका आया, वो आपकी गाड़ी में भी आता है, उसकी कोई इशू नहीं है। और एक इसके इंटीरियर के अंदर जो आप बता रहे थे, इंटीरियर में वो प्लास्टिक क्वालिटी जो थी ना, हाँ वो भाई अंदर चल के आपको बताते हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें थी इसके अंदर। इंटरनेट इनसाइड है गाड़ी के अंदर, भाई बहुत सारे दवा के फीचर्स अपन को दे रखे हैं गाड़ी के अंदर। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो बताओ यश भैया, यार एक तो ये थोड़ी हार्ड प्लास्टिक की दिक्कत आती है, मगर ये नॉर्मल, ये सारी मतलब ये इतने फ्लॉज हर गाड़ी में ही है यार, कुछ भी परफेक्ट नहीं मिलेगा मार्केट, पर फिर भी मतलब ये बचती रहती है ना थोड़ी सी। इसके साथ ऐसा है कि इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है मेरा, तो देखो ये जितने धचके आएंगे बचता ही रहेगा हार्ड प्लास्टिक। अब ये चीजों का तो वो ये कुछ सोल्यूशन है ही नहीं। यश भैया एक्चुअली क्या है, MG Hector की स्क्रीन ऐसी है कि लोग हर कोई सिर्फ स्क्रीन देख के भाई हाँ करता है। हाँ तो अब आपको कैसा रिस्पॉन्स फील हो रहा है, जैसे अपन चालू कर लें एक बार स्क्रीन को, ये देखो ये इसी झटके की बात कर रहा था। हाँ ये मगर ये कोई हर गाड़ी में आती है, जब तक ये आपको चीज दिक्कत नहीं दे रही लॉन्ग रन में, 4 साल से आवाज आ रही है। हाँ। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है इस वजह से, तो वो ये डिपेंड करता है। खैर और उसके बाद में फिर MG बैठा ही है भाई, कस्टमर सपोर्ट एक नंबर है MG का। यहाँ पर एक चीज बताता हूँ भाई, यहाँ पर कोई फिजिकल बटन ना तो अपने AC वगैरह के दिए जाते हैं, हालांकि आपको ये स्क्रीन नहीं देखने को मिलती है। अब आपके पापा तो यूज कर लेते होंगे, अब तो खैर आदत हो गई होगी, आदत हो गई, वो ड्राइव भी कम करता है इसको। हाँ वो तो एक्चुअली ज्यादा चलाते हैं भाई। बाकी ये वाली जो चीज थी ना पैनोरामिक सनरूफ, इसके मतलब इसके दीवान की थी। ये शुरू शुरू के बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले फीचर्स, अच्छा लगता है। वो मेरी वाली भी बोलती है ना सीट बेल्ट लगाओ और ये वो, इतने जिलावट होती है, शर्म आ जाती है, सामने वाला क्या सोचेगा। हाँ वही तो। बाकी भाई उस टाइम पे किसी और के अंदर पैनोरामिक सनरूफ नहीं आ रहा था, जब ये ली थी, जब किसी में पैनोरामिक सनरूफ I guess Endeavor ने लॉन्च, नहीं Endeavor में तो था, मतलब वो तो सेगमेंट में नहीं था, और उसी वजह से लगने लग गई थी। और गाड़ी भाई साहब मतलब यार पैनोरामिक सनरूफ वगैरह सब चीजें, मतलब मैं भी देख कर आया था, तो मुझे एक तो इन्फिनिटी का साउंड बहुत प्यारा लगा था इसका, इसका साउंड भी मतलब साउंड ऐसा है, इसका एक तरफा साउंड है, आपको कोई जरूरत नहीं है आफ्टर मार्केट कुछ कराने की जरूरत ही नहीं है। और भाई एक इसके अंदर 2-3 चीजें ये कमी लगती है, इसके अंदर कोई ये एमएन लाइट है ना इसकी, बाकी हाँ कोई फोन रखने की पर्टिकुलर जगह नहीं थी। अब जैसे यहाँ पर भी कहाँ पर इंसान फोन रखेगा, ये तो ये अपना इसका हो गया USB वगैरह का, ऑक्स वगैरह का। बाकी चाबी इसकी उस टाइम पे ऐसी थी, चाबी के बारे में क्या रिस्पॉन्स है यश भाई आपका? चाबी ठीक है, लुक्स प्रीमियम, प्रीमियम तो क्या, आप तो चेंज कर दी, अब कर दी क्या चेंज? हाँ कैसे नहीं, चौड़ी कर दी, और बढ़िया है। हाँ बढ़िया है ये चीज़ें भाई। बाकी ये यहाँ पर थोड़ी बहुत बजने की आवाज़ वगैरह आई। बाकी ये आप जैसे हिमाचल वगैरह लेके गए थे, तो हिमाचल वगैरह में क्या रिस्पांस था? यार गाड़ी का मेरे हिसाब से रिस्पांस, मेरे को एक भी दिक्कत नहीं आई एज इन पहाड़ों में, मैंने काफी गाड़ियाँ चलाई, फ्रंट व्हील ड्राइव है ना, फ्रंट व्हील ड्राइव है, और फ्रंट व्हील ड्राइव होने के बाद में जैसे कई लोग बोलते हैं, जैसे आप इसको जब कर्ट्स एंड कर्व्स वगैरह पे काटते हो तो थोड़ा सा बॉडी रोल वगैरह फील होता है। बॉडी रोल ऑब्वियसली आई एम ड्राइविंग अ SUV तो वो होगा, मगर ठीक है टॉलरेबल है, आप स्कॉर्पियो सबसे कंपेयर करोगे तो उससे तो नहीं कर सकते, उससे तो नहीं कर सकते। मतलब फीडबैक इसका देखा जाए तो क्रेटा जैसे, क्रेटा है, क्रेटा चिपक के चलती है रोड से, तो ये भी उसी सेगमेंट में कंपेयर में उस वे में कर रहा हूँ कि इसकी जो हैंडलिंग है, हैंडलिंग स्टेबिलिटी वगैरह है वो सब ठीक है। बाकी स्पीड मीटर कैसा लगता है आपको? यार ये मुझे बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि मेरे को नए डिजिटल मीटर जो आते हैं ना वो तो वो बिल्कुल नहीं पसंद भाई, वो मतलब कोई फील ही नहीं उसमें यार, मतलब इनफैक्ट मतलब ये जो ये डीजल वाली जो बत्ती है ना ये इसकी, मतलब ये भी मुझे पता है जो पुराना वाला आता था ना, जो फुल कराते जैसे वरना में था, फुल कराते वो पूरा जाता था, वो बहुत मतलब सेटिस्फेक्शन ये लगता। बाकी भैया स्क्रीन का क्या रिस्पॉन्स है आपकी, कैसी क्या काम करती है? देखो टच स्क्रीन मतलब ऐसे तो थोड़ी लैगी तो है, हाँ देखो यहीं से कंट्रोल करना पड़ता है, यहाँ से भी हो जाता है मेरे ख्याल से कंट्रोल तो, नहीं इससे नहीं होता, इससे होता है ये माइनस और प्लस के बटन से। अब इसके जैसे थोड़ा सा आप नोटिस करोगे थोड़ा लैगी है इसका टच स्क्रीन, अब वो अभी तक भी है, हाँ थोड़ा थोड़ा तो रहेगा। और इसका हाँ ये बहुत बड़ा ये दिक्कत है, कैमरा देखो आप इसका एक बार, जैसे बहुत लैगी है, अगर इसके भरोसे मैंने चला ली रिवर्स गाड़ी ले ली तो मेरी गाड़ी अभी तक पता नहीं कितनी बार ठुक चुकी होगी। देखो अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आप इसको कैप्चर करना है, ये हर हेक्टर में है, मतलब मैक्सिमम ये दिक्कत आ रही है, मैंने 2-3 बार अपडेट भी करा दिया, कोई दिक्कत नहीं होती, अब देखना कितनी स्लोली जाएगी गाड़ी, लैग ये सफारी में भी है,
फिर मतलब क्या हुआ ना 360 डिग्री का, अगर इतना लोग बाग सोचते हैं। नहीं मैं आपको बताऊं, लोग बाग ये सोचते हैं कि भाई इंसान धीरे धीरे गाड़ी लेगा, लेकिन एक टाइम पे जब कार एंथुसियास्ट होते हैं ना वो भाई साहब, जब रिवर्स लेने पे आते हैं ना तो यू लेके यू निकालते हैं। और मेरे को तो क्या आदत हो गई सफारी में, तो देखो सफारी में तो क्या गाड़ी चलाते रहते हैं तो आदत हो जाती है। बाकी मतलब ऐसा भी नहीं है कि भाई बिल्कुल ही लैग कर रहा हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत लैग उसके अंदर रहता है। अपने जिस सेगमेंट में आती है जो प्राइस है उस हिसाब से। बाकी इसमें इंटरनेट इनसाइड भी एमजी देता है, तो इंटरनेट एमजी वो इंटरनेट वगैरह क्या होता है एग्जैक्टली सीन क्या है, नोटिस करना यहाँ पे ये 4G का नेटवर्क आ रहा है, एक एयरटेल की सिम प्रोवाइड करता है एमजी। ओके, वो कहाँ पे काम आता है, आपकी इमरजेंसी जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो इसमें सिम है, वो डायरेक्ट कॉल करेगी नियरेस्ट हॉस्पिटल को, एम्बुलेंस आएगी और पुलिस स्टेशन प्लस एक इमरजेंसी आप जो नंबर दोगे तीनों जगह कॉल पहुंच जाएंगे। प्लस इसके अलावा जैसे इसमें एप्स आती है इनबिल्ट गाना वगैरह, तो ये सब इसके डेटा पे चलती है। तो ये बढ़िया काम करती है आज भी, बिल्कुल बढ़िया। रिचार्ज वगैरह भी मैं हमने तो कभी कराया नहीं, एमजी वाले करवा रहे। अच्छा, तो कितने टाइम के लिए दिया था एमजी ने, एक साल के लिए? एक साल बोला था, फिर बोला था रिचार्ज कराना पड़ेगा, मगर आई गेस वो डायमंड पैकेज में इंक्लूडेड है तो इसलिए अभी तक कुछ पैसे नहीं लिया। अभी जैसे गाना है पूरी इससे चल रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा, नहीं तो ये पूरा ऐप वगैरह जितने भी है उसके अलावा जैसे 2-3 वीडियो सॉन्ग भी इसमें चलते हैं। फील तो काफी बढ़िया आता है, लेकिन इसके अंदर ये तो है गाड़ी का फील, गाड़ी का बहुत बड़ा रिच फील आता है। और अब तो खैर जो गाड़ी ने एमजी के अंदर जो है चेंज भी हो गई, ये देखो यार ये लैग कैसे कर रहा है ये पता नहीं यार, बारिश में ही मैंने भी नोटिस किया, इसी बारिश में थोड़ा ऊपर जाने में देखना आवाज आएगी। हाँ ये आवाज आने लग गई, स्क्रैच भी हो गया यहाँ पर। खैर एमजी बोल रहा था अपनी गाड़ियों के लिए कि भाई हम जो है इसको वो करेंगे 70% बायबैक देंगे। बायबैक कार्स पे? अच्छा बेसिकली वो रीसेल के ऊपर, जैसे आप बेचने निकलो उसको। नहीं MG की अब टू बी ऑनेस्ट पेट्रोल वर्जन की तो बिल्कुल ही रीसेल नहीं है, नहीं बहुत ही कुछ ही पैसे नहीं मिलते। अगर आपने 20 लाख की गाड़ी ली है 12-13 लाख में अवेलेबल है 2-3 साल पुरानी गाड़ी, 2-3 साल पुरानी क्यों एवरेज नहीं दे रही ना गाड़ी, एवरेज 1500 सीसी का इंजन है ये, इसमें 2000 सीसी का इंजन है। कितने प्रोड्यूस करता है ये पावर? 160-70 bhp or 350 nm तो उस वक्त हम लोगों का था ठीक है इस बार ऑटोमेटिक लेते हैं, मैनुअल है गाड़ियां। तो फिर मैंने एक बार, नसीब था मेरा, नहीं मैं बेच चुका होता अभी तक एक्टर, मैंने पेट्रोल की टेस्ट ड्राइव ले ली और भाई वो गाड़ी में मतलब पावर है ही नहीं, इतना बड़ा लड्डा लड्डा। हाँ मतलब मैंने अभी ये वाली मैंने अभी एएमजी चलाई ना, अभी डीजल एमजी चलाई एक्टर, तो भाई साहब मतलब सही बता रहा हूँ मैं आपको, क्लिप्स शेयर करूंगा यहाँ पर, इतना तगड़ा पंच गाड़ी का, सफारी से बढ़िया पंच लगा, मीटर यू उठता है। लेकिन भाई साहब और एक चीज और है, इसकी ग्रिप बनी रहती है जब आप कैच करते हो, और सफारी की ग्रिप नहीं रहती, सफारी डगमग हो जाती है मेरे ख्याल से, शायद टायर वगैरह की कुछ इशू होगा यार। टायर का मेरे को नहीं लगता क्योंकि देखिए टायर प्रोफाइल बहुत बढ़िया है गाड़ी के, मेरे उल्टा कम है अंडर साइज का, फिर भी उस हिसाब से इसमें परफॉर्मेंस लेवल ग्रिप लेवल ग्रिप लेवल अच्छा है। तो भाई वही वाली बात है, मतलब जो फील होता है ना चलाने का वो बहुत बढ़िया। और जब मैं वो चलाता हूँ ना पेट्रोल पूरा रेस दे देता हूँ, उसके बाद सोचता हूँ अब उठेगी, तो वो वाली बात है। तो आप जल्दी से गाड़ी के कुछ ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव बता दो कि जो आपको अच्छे लगते हो, जो आपको बुरे लगते हो गाड़ी के अंदर, जो देने चाहिए थे एमजी को। पॉजिटिव्स की पहले नेगेटिव्स की बात करते हैं। नेगेटिव जैसे ये हार्ड प्लास्टिक है ना, ये बहुत ज्यादा, मतलब अभी मैंने गाड़ी चलाई भी नहीं है, 23,000 किलोमीटर चली है, मेंटेन गाड़ी है ये, घर पे खड़ी रहती है हाफ ऑफ द टाइम्स, तो उस हिसाब से भी अगर ये इतनी जल्दी बज रहे हैं तो अगर मैं इसको डेली यूज में, जैसा अपन बात कर रहे थे कि डीजल ओनर क्या करते हैं लाख चला देगा 3-4 साल में, तो फिर मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा बच चुका होता। तो यहाँ पे एक हार्ड प्लास्टिक का तो यही इशू लगा, एक मेरे को रिवर्स कैमरा का इशू है इसमें, प्लस ये क्लच की प्रॉब्लम तो देखो सब फेस कर रहे हैं, सफारी जीप कंपस हेक्टर तीनों के ओनर्स परेशान है, इसका क्लच बहुत टाइट है। मगर इस चीज के मैंने बात करी थी, एक एमजी का इंजीनियर है उनसे बात हुई थी, उन्होंने यही बोला कि इस गाड़ी में क्लच टाइट ही रहेगा थ्रू आउट, आप कितनी बार चेंज करा लो, क्योंकि गाड़ी में पावर इतनी है कि अगर आप उन्होंने क्लच लाइट कर दिया ना तो गाड़ी आगे जाके घुसेंगी, सब ड्राइव नहीं कर सकते ना वैसे गाड़ी, तो उस वजह से एक क्लच की आपसे भी सेकंड गियर में। हाँ मैं सेकंड गियर में इसलिए रखता ही नहीं उसको, पहले में ही निकालता हूं। सफारी के साथ सेम प्रॉब्लम है, एक्टर इसकी सफारी की कंपास सबकी सेम है कि पहले गियर में अगर ट्रैफिक में हो बंपर टू बंपर ये बंद होती है। और इसका एक है ना शेड्यूल भी एमजी ने पास किया था कि भाई अगर आपको चलानी हो ना तो कोई तरीका है इसको चलाने का, कि मतलब अगर आप इसको लेकर चल रहे हो हैवी ट्रैफिक के अंदर तो आप इसको क्लच एंगेज मत रखो, क्लच दबा के मत रखो, इसको न्यूट्रल कर लो। अच्छा। फिर वापस फर्स्ट गियर में लगा के फिर खींचो, फिर वापस इसको न्यूट्रल कर लो, इस तरीके से चलाओगे तो इसका बढ़िया काम कर लेगा, वरना ये काम मांगेगा ही मांगेगा भाई। इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी मेरे को एक तरफा लगती है सेगमेंट में, लाइक इसके डोर्स बहुत हैवी फील होते हैं
ओपन क्लोज करते हो तो गाड़ी की बिल्ट बहुत बढ़िया है अपने आप में। पावर इसकी मुझे बहुत लीनियर और अच्छी लगती है। मैंने हेलियर चलाई है, कंपस चलाई है, हेक्टर चलाई है, ऑब्वियसली सेम इंजन है तो मैं डिबेट नहीं करूंगा कौन सी तेज है, मगर ये पीक परफॉर्मेंस मुझे इस गाड़ी से ही आई। अभी मैंने सफारी की भी टेस्ट ड्राइव ली थी शायद 5-10 मिनट पहले तुम्हारी गाड़ी की, उससे भी मुझे काफी फील फर्क हो रहा है जो नहीं होना चाहिए इंजन की वजह से। अब क्या पता है थोड़ा थोड़ा कर्व वेट का भी रीजन रहेगा, क्या पता है हल्की हो 10-20 किलो, मगर स्टिल ऐसे ऑल इन ऑल परफॉर्मेंस वाइज गाड़ी बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी वाइज अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। और तीसरा अपना रीसेल, और मेरे लिए तो रीसेल क्या मतलब वो सर्विस, तीसरी हां सर्विस भी बहुत अच्छी है इसकी, आफ्टर सेल्स अच्छी है। और पॉजिटिव्स में तो यही है, अब जो इसका लग्जरी वगैरह है मेन हमने रीजन यही था कि एक ऐसा मतलब लग्जरी वाला फील है इस गाड़ी में, कंफर्ट बहुत अच्छा है इस कार का। खैर वारंटी में जब तक तो करा लेंगे, अब तक तो दिक्कत ही नहीं है कोई। बाकी ये था अपनी MG Hector का रिव्यू। यश भैया है जिनके पास ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं गाड़ी को। अगर वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।